आगे देखते हैं दिसली की फुल रूम है, फुल रूम है। मैं हूँ योगेश। जैसे आप लोग, आज हम लोग जो पके हुए आम है पेड़ के ऊपर, उसके मतलब उसको ढूंढने जा रहे हैं। देखते हैं मिलते हैं कि नहीं। अभी बादल भी छाए हैं, ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी। फिर भी हम लोग आगे जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। बुढ़ा दिखा ना तुम्हें पता अमड़ी दिखाई तो कमी है क्या बस चिमा बता को तेगाते तो हम लोग आज वापस मलवी करके एरिया है हमारे इधर उधर आए हैं। तो लास्ट टाइम आए थे तो अलग रीजन था। अभी वो जो पके हुए आम रहते हैं पेड़ के ऊपर, उनकी तलाश में आए हैं हम लोग। और बीच में हम लोगों को एक मंदिर दिखा है, तो यहाँ से एकदम अल्टीमेट ऐसा सीन है, तो आपको दिखा रहा हूँ ये सीन। अभी पूरे बादल छाए हुए हैं, इसके लिए थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा है। जाऊ शकतो कारण की इथं जवळ ते मंदिर आहे ना। पाऊस आला तर पळा। हा ऊन पडलं
जावे का तिकडे हा आंब्याकडे हा आणि पावसाला गेले की पळायचं तिथं थांबतो जाऊन चल अरे ते इथं तर जवळ चल काय रे केले हे काय केले हा म्हणून का काय अरे आंबा वेगळा दिसतोय मस्त दिसतोय एकदम सगळंच काय किड पडे असते का आंब पाड दिसतोय का एखाद पाड नाही लागला सात आठ तरी पाडाय पाहिजेत अरे मस्त कुठे पाड सात आठ कच्च तरी अरे वाने सोने आपण पाड दिसलाय डोंगाचा पाड आहे दोन पडलं वर मार की त्याला लागल त्याला कापून दे त्याला कसा बरं चिमा कापलास तू खपला ना तेवढा त्याने तर अजूनच खपवला बघ इकडे काय घे तू पण मला आहे ना ये मेरा है चव ना चिमा चिमा गुटी होते गुटी जायची कळ चिमा यायचं बरं घरी गेलो हा यायचं ना दिखा दोस्तों ये आम कच्चा था हम लोगों ने उसको गिराया तो देखिए अंदर कैसा है पूरा पीला पीला है और इसका मतलब ये पकने की प्रोसेस चालू है इसलिए ये पके हुए आम से भी मीठा लग रहा है एकदम मस्त लग रहा है एकदम दिल खुश हो गया दोस्तों हम लोग भीगते भीगते बच गए क्योंकि ये मंदिर था ये मंदिर पास में ही था तो हम लोगों को पता था कि अगर बारिश आएगी तो हम लोग इधर पहुंच जाएंगे तो वैसा ही हुआ तो आज का वीडियो इतना ही है थैंक यू